हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब दो समन्वय मंडल दिए हुए हो तो आप उनका नामकरण कैसे करोगे। जैसे COCl4 लिखा है मैंने और ये समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं, इसी के साथ दूसरा समन्वय मंडल और उसमें भी CO, और यहां मैं कर देता हूं NH3 की 4 और समन्वय मंडल का निशान। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम भाग है वो धनावेशित होगा, दूसरा भाग है वो ऋणावेशित होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि धनावेशित और ऋणावेशित दोनों ही भाग जब समन्वय मंडल के रूप में हो, समन्वय मंडल ये निशान लगाए इसे बोलते हैं, यहां से ये बाउंड्री समन्वय मंडल, यहां से ये वाली बाउंड्री पूरी समन्वय मंडल। तो जब दोनों ही भाग समन्वय मंडल में हो तो हम नामकरण कैसे करते हैं कि सबसे पहले धनावेशित भाग का नामकरण करते हैं, तो उसमें जो भी लिगेंड है उनकी संख्या लिखी जाती है, फिर धातु का नाम आता है, और धनावेशित भाग में धातु का सामान्य अंग्रेजी नाम आता है। जैसे ये 4 लिखा है मैंने तो बोलूंगा टेट्रा क्लोरो, क्या बोला जाएगा टेट्रा क्लोरो। उसके बाद में धनावेशित भाग की धातु है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सामान्य नाम कोबाल्ट ही आ जाएगा। आप जानते हैं कि इस भाग में और धातु के नाम के पीछे 8 नहीं आता है, धनावेशित भाग में धातु का ना तो लैटिन नाम आता है और ना ही उसके पीछे 8 आता है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सामान्य नाम आ जाता है। फिर यहां उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां निकाल के एक साथ लिखेंगे। और अब अगले भाग में ऋणावेशित भाग में बढ़ते हैं। ऋणावेशित भाग में लिगेंडों की संख्या जैसे 4 है और एमीन है, तो यहां भी बोलूंगा टेट्रा एमीन। उसके बाद में और फिर धातु का नाम, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां धातु ऋणावेशित भाग में आ रही है, तो धातु का संभव हो तो लैटिन नाम आएगा, लेकिन कोबाल्ट का तो लैटिन नाम नहीं होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसका अंग्रेजी नाम ही आ जाएगा, लेकिन अंग्रेजी नाम के पीछे 8 आएगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित भाग में उपस्थित है, इसलिए कोबाल्ट प्लस 8, तो आगे लिखूंगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। तो अब ध्यान देने वाली बात कि यहां धनावेशित भाग में तो कोबाल्ट आ रहा था और ऋणावेशित भाग में वही कोबाल्ट है, उसका नाम वहां कोबाल्टेट हो जाएगा, और यहां लास्ट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आ जाएगी। और ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मैंने बताया था आप लोगों को तरीका कि एक्स इसके निकालिए एक्स मानिए, इसकी भी निकालनी है एक्स मानिए, तो यहां इस प्रकार से एक्स, आगे यहां प्लस का निशान, यहां 4 लिखा है तो 4 लगा देंगे, और फिर Cl का -1 होता है वो लगा देंगे। धनावेशित भाग का पूरा हो गया, अगले ऋणावेशित भाग में प्रवेश करते हैं तो यहां दोनों के बीच प्लस का निशान आ जाएगा, और इसका निकालना है तो इसका x मानेंगे, आगे बढ़े यहां भी प्लस लगा देंगे, और 4 पैरों वाली संख्या पहले आ जाएगी, और NH3 पूरा शून्य होता है, शून्य लगा देंगे, और मुझे इन दोनों समन्वय मंडल अर्थात इस पूरे यौगिक पर, यह पूरा एक यौगिक है, पूरे यौगिक पर यहां कोई आवेश नजर नहीं आ रहा, तो मैं बराबर के जस्ट बाद और 0 लगा दूंगा। अब इनको हल कर लेंगे, जितना x बराबर आ जाएगा उतना ही तो उस ब्रैकेट में लिखते हैं और उतना ही इस ब्रैकेट में, x बराबर जितना आता है वो दोनों के दोनों इस भाग में यहां आ जाएंगे, और इस प्रकार इसका नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम नए रूल में प्रवेश करते हैं, और नए रूल के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा अगर समन्वय मंडल ऋणावेशित दिया हुआ हो तो आप नाम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं नए नियम के अंतर्गत Fe, और यहां CN6 कर देता हूं, और समन्वय मंडल मैं बोल रहा हूं ऋणावेशित दिया हो अर्थात यहां -3 कर देता हूं। तो अब समन्वय मंडल पर जब ऋणावेश दिया हो तो आप नामकरण कैसे करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है कि जब केवल एक ही समन्वय मंडल दिया हो और उस पर ऋणावेश दिया हो तो मैं बोलूंगा कि ये संकुल आयन है। आप जानते हो आयन वो होते हैं जिन पर या तो धनावेश लगा होता है या ऋणावेश लगा होता है, या ऋणावेश है
तो ये संकुल आयन है, और संकुल आयन ऋणावेशित, ऋणावेशित संकुल आयन का नामकरण आप कैसे करोगे? पीछे वाले सामान्य सारे नियम लगेंगे, याद रखना। यहां ऋणावेश दिया तो ऑटोमेटिकली ये सारा भाग ऋणावेशित हो गया, धनावेशित नहीं, अब ये भाग ऋणावेशित हो गया। और अगर यहां धनावेश दिया हो तो ऑटोमेटिकली ये भाग धनावेशित हो जाएगा, लेकिन पहले मैं तो आपको ऋणावेशित वाले जो आयन है उनका नामकरण कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, वो बता रहा हूं। तो यहां जब ऋणावेश दिया तो ये संकुल ऋणावेशित आयन है, इसका नामकरण करेंगे तो ऋणावेश है, तो ये सारा भाग ऋणावेशित ही हो जाएगा। अब नामकरण में वही नियम, अगर लिगंड कई दिए तो अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लीजिए, लिगंड कई नहीं दिए एक ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो लिगंड दिया उसको संख्या सहित लिख दीजिए। तो लिखूंगा हेक्सा साइनो, तो यहां आ जाएगा हेक्सा साइनो। उसके बाद में टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ये यौगिक वहां दिए हुए मिलेंगे और फिर आपको इनका नामकरण करना है। हेक्सा सिक्स को हेक्सा बोल दिया, सीएन को साइनो बोल दिया, और अब इस धातु का नाम आएगा। तो नियम बता के हूं कि यहां ऋणावेश लगाए या फिर यहां ऋणावेश वाला हिस्सा है, तो हमेशा धातु का संभव हो तो लैटिन नाम आता है, और लैटिन नाम ना हो तो फिर अंग्रेजी का सामान्य नाम आता है। लेकिन एफ ही धातु है, इसका तो लैटिन नाम होता है, तो एफ ही का लैटिन नाम फेरस। और याद रखना, यहां देख रहा हूं ऋणावेशित है, ठीक है, तो इस फेरस अर्थात धातु का लैटिन नाम और लैटिन नाम के अंत में एट तो कन्फर्म आएगा। ऋणावेशित वाले भाग में धातु के नाम के अंत में एट तो अवश्य आता है, तो फिर ये आपके फेरस और फेरस के नाम में एट जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित वाला हिस्सा है, ऊपर ऋणावेश लगा है तो ऋणावेशित हिस्सा है, तो यहां हो जाएगा फेरेट, तो यहां हो जाएगा फेरेट। और उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आ जाएगी। और एक बात और याद रखना, ऑक्सीकरण अवस्था तो हम एक्स मान के निकाल लेंगे, लेकिन जब आप यहां प्लस या माइनस देखोगे तो कोष्ठक के तुरंत बाद ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में यहां हिंदी में आयन शब्द और आएगा, यह बात आपको याद रखनी है। ये आयन शब्द क्यों आया? क्योंकि यहां ऊपर धनावेश या ऋणावेश जब जब लिखा होगा संकुल के ऊपर, तो फिर आपको यहां आयन शब्द अवश्य लगाना है, वरना अपना गलत हो जाएगा। तो अब ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। इस एफ का आप जानते हो निकालूंगा तो एक्स मानूंगा, आगे बढ़ू छह का छह है वो लगा लूंगा, और यहां सी एन का माइनस एक होता है वो लिख देंगे, और इस सारे पर मुझे माइनस तीन आवेश नजर आ रहा है तो बराबर माइनस तीन लिख देंगे। और जब आप इसे हल करोगे तो एक्स माइनस छह इजिकल टू माइनस तीन, और आप जानते हो एक्स बराबर प्लस तीन आ जाएगा, तो एक्स का प्लस तीन आया तो रोमन संख्या में यहां तीन लिख देंगे। लेकिन आप जानते हो ऑक्सीकरण अंक के आगे धनायन और ऋणायन अर्थात आवेश का मान नहीं लिखा जाता है कि वो धनावेश है या ऋणावेश है। तो अब याद रखना अपना नियम क्या था, अपना नियम यह था कि जब आपको संकुल ऋणावेशित आयन दिया हुआ हो, जब आपको संकुल ऋणावेशित आयन दिया हुआ हो तो नामकरण करते समय सबसे पहले तो लिगंडों को संख्या सहित लिखा जाता है, फिर धातु का नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर समन्वय मंडल में दी हुई धातु ऐसी हो जिसका लैटिन नाम होता है तो पहले लैटिन नाम लिखिए, और ऋणावेशित होने के कारण लैटिन नाम के अंत में एट लगा दीजिए। अगर कोई यहां धातु ऐसी लिखिए जिसका लैटिन नाम नहीं होता है तो उसका सामान्य अंग्रेजी नाम लिखिए और अंग्रेजी नाम के अंत में एट जोड़ दीजिए, एट तो अवश्य आएगा। ऋणावेशित भाग होने के कारण धातु के नाम के अंत में एट तो 100% आएगा, और फिर उसी धातु का यानी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा रोमन संख्या में। और उसके बाद में एक काम और करना है, यहां अगर प्लस और माइनस, यहां प्लस वाले यौगिक भी आगे आएंगे, यहां प्लस और माइनस दिया हो तो आपको आयन शब्द जरूर लिखना है। इस प्रकार से अपना ये मतलब उदाहरण पूरा हुआ। इसी में और आप और देख लीजिए, और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे कॉपर के साथ मैं लिख देता हूं NH3 की ट्वाइस, और उसके बाद में यहां लिख देता हूं Cl2, और उसके बाद में समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं, और इस निशान के ऊपर मान लीजिए इसको एडजस्ट करने के लिए और मैं यहां माइनस तीन लगा देता हूं, माइनस दो कर देते हैं, चलो
माइनस दो, ये प्लस और माइनस इस धातु की समन्वय संख्या को एडजस्ट करने के लिए, इसके आवेश को एडजस्ट करने के लिए लिखा जाता है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद इसको हल करेंगे, कहने का नाम लिखेंगे। तो पहले तो यूं देखेंगे कि ऊपर ऋणावेश दिया है तो ये सारा हिस्सा ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब नामकरण करेंगे, नामकरण करेंगे तो पहले ये देखेंगे लिगंड एक से अधिक है तो उनको अल्फाबेटिक एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ एमीन भी है और क्लोरो भी है, तो एमीन पहले आएगा, एमीन पहले आएगा तो मैं लिखूंगा संख्या के हिसाब से डाई एमीन, तो यहाँ आ जाएगा डाई एमीन। उसके बाद में फिर क्लोरो, क्लोरो भी दो लिखे हैं, क्लोरो भी दो लिखे हैं तो बोलूंगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और उसके बाद में फिर आगे देखना धातु का नाम आएगा, लेकिन याद रखना यहाँ जो धातु दी है कोपर, कोपर का लैटिन नाम नहीं होता है, तो कोपर का लैटिन नाम नहीं है तो इसका अंग्रेजी में सामान्य नाम आ जाएगा कोपर। लेकिन याद रखने वाली बात एक और ये रह गई कि यहाँ ऋणावेश दिया है, ऋणावेश दिया है तो फिर धातु के अंग्रेजी नाम के अंत में भी एट आएगा, तो क्यूपर प्लस एट, यानी कोपर प्लस एट, क्यूपरेट बोलोगे आप इसे, आप इसे क्या बोलोगे, क्यूपरेट। थोड़ा इनका अनुवाद है वो याद रखना, ये विशिष्ट बन जाते हैं, क्यूपरेट बोलोगे और फिर इसमें ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगी। तो डाई एमीन, डाई क्लोरो, क्यूपरेट, और ऑक्सीकरण अंक मैं एक्स मान करके निकाल लूंगा, जितना यहाँ आएगा वो लगा देंगे रोमन संख्या में, उसके आगे प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है, और लास्ट में ऊपर माइनस के रूप में लगाए तो है तो ये आयन, तो अंत में यहाँ कोष्ठक के बाहर लिख देंगे आयन। और इस प्रकार से अपना ये नामकरण वाला और ये हिस्सा नामकरण का पूरा हुआ। और अब नेक्स्ट नियम, इस नियम में अगर संकुल यौगिक पर धनावेश दिया हुआ हो तो आप नाम कैसे लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं CuNH3 की 4 और H2O की ट्वाइस, और समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं और इसके ऊपर मैं प्लस तीन कर देता हूं। तो हम देख रहे हैं कि समन्वय मंडल के ऊपर धनावेश लगा हुआ है, तो फिर ये पूरा का पूरा समन्वय मंडल धनावेशित हो गया, एक तो ये बात याद रखनी है। अब नामकरण करें तो वही नियम कि सबसे पहले तो आप जो लिगंड दिए गए हैं उन लिगंड को अल्फाबेटिक एडजस्ट कीजिए। यहां एमीन भी दिया गया है, एक्वा भी दिया गया है, तो एमीन को तो आप इस प्रकार से यूं लिखोगे, एक्वा को आप इस प्रकार से यूं लिखोगे। तो यहां दोनों में ही कैपिटल ए यानी ए आ रहा है, तो कहने का अर्थ फिर जस्ट अगला वर्ड देख लीजिए, यहां एम आ रहा है और यहां क्यू आ रहा है, तो एम पहले आता है। तो शुरुआत जब करेंगे तो हम लिखेंगे टेट्रा एमीन, तो यहां आ जाएगा टेट्रा एमीन। उसके बाद में फिर डाई एक्वा, तो हम लिखेंगे डाई एक्वा। और उसके बाद में धातु का नाम, धातु का नाम अब सुनिए गौर से नियम, धातु का नाम यहां कोपर है, धनावेशित भाग है तो इसका लैटिन नाम नहीं आएगा। धनावेशित वाले हिस्से में कोई धातु दी हुई हो उसका लैटिन नाम नहीं आता है, उसका सामान्य अंग्रेजी नाम आता है। और एक खास बात और, सामान्य अंग्रेजी नाम तो आता है और नाम के अंत में एट भी नहीं लगता, क्योंकि धनावेशित हिस्से में ना तो धातु का लैटिन नाम आता है और ना ही उसके अंत में एट लगता है। और जिन धातुओं के लैटिन नाम नहीं है कोई दिक्कत नहीं, उनके अंग्रेजी में सामान्य नाम लिखे जाएंगे लेकिन अंत में एट तो नहीं आएगा। एट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि धनावेशित हिस्सा है और धनावेशित हिस्से में कभी भी धातु के नाम के अंत में एट नहीं आता, तो फिर इसका नाम यहां कोपर ही लिखा जाएगा, कोपर लिखा जाएगा। और अब इसकी आक्सीकरण अवस्था यहां कोष्ठक में आ जाएगी, आक्सीकरण अवस्था हम x मान के निकालते हैं, यानी x हो जाएगा
और ये चार के साथ जीरो हो जाएगी, दो के साथ जीरो हो जाएगी, बराबर में तीन लगा देंगे प्लस के, तो इस प्रकार से औक्सीकरणांक निकल जाएगा। जितना आएगा उतना यहां लिख देंगे। एक खास बात और सुन लीजिए, इस पर धनावेश लिखा है तो ये आयन, तो यहां लास्ट में आयन शब्द आपको और लगाना है, ये बात भी आप याद रखना। तो हमारा नियम क्या हो गया, हमारा नियम हो गया कि जब समन्वय मंडल धनायन के रूप में दिया हो, जब समन्वय मंडल धनायन के रूप में दिया हो तो यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करते समय नियमानुसार लिगंडों को अल्फाबेटिक एडजस्ट करने के बाद और दी गई धातु का सामान्य अंग्रेजी नाम लिखा जाता है, दी गई धातु का सामान्य अंग्रेजी नाम लिखा जाता है। याद रखना, नोट लगा कि धनावेशित भाग में धातु का लैटिन नाम नहीं लिखा जाता है, और लैटिन नाम ना हो तो नाम तो सामान्य लिखेंगे लेकिन सामान्य नाम के अंत में भी एट नहीं आता है, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर धातु का औक्सीकरणांक ज्ञात कर लिया जाता है एक्स मान करके, और अंत में यहां देखते हैं कि कोई आवेश लगाए, कोई आवेश लगाए तो यहां आयन शब्द जरूर लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको ये नियम याद रखना है, और इनसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट।